हेलो एवरीवन जैसा कि आप सबको पता है हमने थर्टीन जो आपकी उड़ान की एक्सरसाइज है वहाँ तक हम पहले कर चुके हैं और अब हम फोर्टीन से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो देखो जैसा कि लेसन का नाम है बेबिन चौधरी इज़ लैप्स ऑफ मेमरी इस लेसन बेस्ड ये जो आपका एक्सरसाइज है यहाँ हम वर्कशीट को फोर्टीन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं यूजिंग द क्लूज इन द देंटेंसेजेज द अप्रोप्रिएट मीनिंग्स फॉर अंडरलाइंट वर्ड

लॉन्गिंग करता है वो चीज़ों की के, के लिए इच्छा करता है लॉन्गिंग होता है हम किसी चीज़ के लिए इच्छा करते हैं ठीक है तो दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ एंटेटेड सेकेंड हम बात करते हैं पुलिस मेड हाइ, हाइ, हाइफोथैसिस अबाउट द रूबरी बट दे कुडेंट प्रो इट येट तो यहाँ पे हाइफोथैसिस मीन्स Uh, walking theory mystery conclusion so the related word appropriate word here that is conclusion ठीक है तो आपको ऐसे ही ये complete जो exercise है वो solve करनी है अब हम यहाँ बात करते हैं next uh, जो question है थर्ड क्वेश्चन द स्टूडेंट रिप्लाइड टू द टीचर विद अ विटी आंसर अ विटी होता है देखो विटी में ना चालाकी से भरा हुआ होता है तो उसमें ना क्या क्या आ जाएगा अम्यूजिंग भी आ जाएगा फनी भी आ जाएगा ह्यूमरस भी आ जाएगा तो ऑल ऑफ दिस आंसर्स आर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फादर सेड आई फोर बिड यू टू गो आउटसाइड एज इट इज ट्रेनिंग तो फॉरबिड फोरबिड फॉरबिड मीन्स मना करना इनकार करना तो मीनिंग देखेंगे डैड होप रिफ्यूज टू अलो यहाँ रिफ्यूज टू अलो जाने से मना कर देना दैट इज द करेक्ट आंसर गोट इट चलो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं द गॉस सेटर्ड एज इट फेल फ्रॉम माई हैंड शटर्ड टूट कर बिखर जाना तो शटर्ड ब्रेक इंटू पीसीज मेड अ लाउड नॉइज बाउंसड ऑल ऑफ दिस नहीं ब्रेक इंटू पीसेज दैट इज द करेक्ट आंसर देय फॉर दिस शटर्ड वर्ड चलिए अब भी पार्ट पे चलते हैं गेट द आंसर्स आई बिगिन विद एम एंड एंड इन वाई ये मिस्ट मिस्ट्री uh, uh, होती है इन क्वेश्चन में कुछ उनको हम सॉल्व करेंगे पजल्स लाइक like, ठीक है एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी हैप्पी का मीनिंग क्या होता है मैरी एम ई डबल आर वाई तो एम ए डबल आर वाई तो नहीं होता मैरी होता है खुश हैप्पी ये कुछ कुछ क्ल्यूज़ दे रखे देखो हैप्पी दे रखा तो हैप्पी को इंग्लिश में मैरी भी बोलते हैं ठीक है तो ये जाएगा करेक्ट आंसर बी अब सेकंड है आई बिगिन विद यू एंड एंड इन ए आई प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एंड रेन यू से शुरू होने वाला और ए पे एंड होने वाला सूर्य और धूप दो, दोनों से बचाता है क्या होता है ऐसा अम्ब्रेला गॉट इट आप तो बड़े इंटेलिजेंट है भाई है ना अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई बिगिन विद पी एंड्स लेटर ई एंड हैज थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स तो वो क्या होता है लेटर्स थाउजेंड्स ऑफ लेटर कहाँ जाते हैं देखो अल्फाबेट में तो हमारे लेटर ट्वेंटी सिक्स ही होते हैं तो ये होता है पोस्ट ऑफिस में होते हैं थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स चलो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं आई बिगिन विद ए एंड्स विद द लेटर टी एंड आई एम वेरी ओल्ड ओल्ड को क्या बोलते हैं एनसेंट ठीक है आई बिगिन विद सी एंड्स विद द लेटर आर आई गिव कंफर्ट वेन यू नीड रेस्ट तो क्या होता है छेयर क्या होता है छेयर ठीक है अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं सी पार्ट जो आ हमारा आ जाता है यहाँ सी पार्ट में बात करते हैं रीड द सेंटेंसेस इन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड यूजिंग इन कंटेक्सट क्लूज ऑल्सो राइड आउन द क्लूज दैट हेल्प यू टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अब यहाँ पे वर्ड क्या है इवन वेन द ब्रिटिश ऑफिसर्स अरेस्टेड गांधी जी ही मेनटेंड हिज डिग्निटी डिग्निटी शान शौकत और सम्मान ठीक है होल्डिंग हिज हेड हाई अपना सिर ऊंचे किए रखा उन्होंने एज ही वॉज मास्ड ऑफ टू प्रोटे ऑफ द प्रोटेस्ट साइट तो यहाँ इसने हमें क्या कहा है पहले तो डिग्निटी जो वर्ड है उसका मीनिंग लिखना है और फिर कॉन्टेक्स्ट क्ल्यूज देना है ठीक है क्ल्यू क्या दिया उसने ऐसा करने के लिए तो मीनिंग तो होता है प्रेस्टाइज या ग्लोरी और क्ल्यू क्या मिला हुआ है हमें होल्डिंग हैड हाई ही होल्डिंगज हैड हाई ये आपका कॉन्टेक्सट क्लू में आ जाएगा कॉन्टेक्सट क्ल्यू का मतलब है आपको कौन सा क्ल्यू मिल रहा है संकेत मिल रहा है कि उन्होंने ऐसा किया अपनी डिग्निटी को बनाए रखा ठीक है अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है आपका आई वॉन्टेड टू एम्बरेज एम्बरेज द क्राइंग लिटिल गर्ल टू कम्फर्ट हर अब एम्बरेज होता है मीनिंग आ जाएगा आपका हग करना एंड क्लास ठीक है ग्ले मिलना ठीक है और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्ल्यू में क्या आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट क्ल्यू में आपका आ जाएगा क्राइंग गर्ल गॉट इट क्ल्यू हमें क्या मिला वो रो रही है ठीक है क्राइंग गर्ल दिया हुआ है ऑलरेडी क्राइंग लिटिल गर्ल है ना अब देखो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं वी विल हैव अ न्यू प्रिंसिपल नेक्स्ट मॉर्निंग सिंस मिसेज अनिता रिजाइंड रिजाइंड होता है अपनी पोस्ट से त्याग पत्र दे, देने जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डीम्योर ठीक है तो यहाँ पे क्या है न्यू प्रिंसिपल शो कर रहा है कि शी रिजाइंड एंड द न्यू केम got it अब फोर्थ है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स were scarce लास्ट ईयर scarce मीन्स insufficient ठीक है और ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन तो क्ल्यू मिल रहा है किसकी वजह से था कोविड नाइनटीन की वजह से got it अब नेक्स्ट है गिव एम्पल टाइम टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू प्ले ग्राउंड एम्पल होता है बच्चे पर्याप्त sufficient ठीक है फिनिश योर होमवर्क ये क्या शो कर रहा है कि टू फिनिश होमवर्क वी नीड एम्पल टाइम गॉट एट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर फिफ्टीन की वर्कशीट नंबर फिफ्टीन में जो है आपका रीड द स्टोरी केयरफुली एंड गिव सिक्वेंस टू द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द आक्यूरेंस अब जो 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 ये स्टोरी दी हुई ना राजू वन टू तो अफेयर विद हीज़ फादर ही सा तो टॉयज स्वीट्स बलून्स स्निक चार्मर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स He asked his father to get a ride on merry-go-round. His father agreed, and they had a ride on merry-go-round. Thereafter, Raju asked for a balloon for his younger sister. His father bought him a pink-colored balloon, and after that, they had lunch. Raju asked for sweets. He demanded his favorite sweet, Buffy. His father bought Buffy for him. दे लेफ्ट फॉर देअर हाउस अब ये जो नीचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेंटेंसिस हमें गिवेन है हमें इनको सिक्वेंस में लिखना है फर्स्ट नंबर पर राजू ने क्या किया था सेकेंड पे क्या किया था थर्ड पे क्या क्या था एंड सो ओल्ड तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे राजू ने क्या था राजू सॉ टॉयज स्वीट्स ब्लून्स स्नेक चार्मर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स फिर इसके तुरंत बाद राजू ने क्या किया था दे हैड राइड ऑन गो ऑन मैरी गो राउंड ठीक है फिर थर्ड नंबर पे क्या हुआ था ही आस्ड फॉर अ बलून ठीक है और फोर्थ इसके बाद दे हैड अ लंच लंच के बाद क्या किया था इसके फादर ने क्या खरीदा बर्फी हिज फादर बोट बर्फी अब उसके बाद क्या हुआ दे लेफ्ट फॉर देयर होम अपने घर के लिए आ गए तो ये सिक्वेंस था इंसिडेंट्स का जो उनके साथ वहाँ पर हुए थे अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट में है टी मेकिंग प्रोसेस वॉज एक्सप्लेन बाय द टीचर यूजिंग एरो इन्फॉर्मेशन अब देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे गिवन है एरो इन्फॉर्मेशन से यहाँ दिया हुआ है आ, आ, ये जो रिटर्न है यहाँ आपका जस्ट अ सेकेंड देखो ये गिवन है आपके एरो से पूरा डिटेल गिवन है है ना तो यहाँ देखो प्रोसेस मेकिंग क्या होता है प्रोसेस आपको पता है प्रोसेस क्या होता है किसी भी काम को करने की क्रियाविधि अब जैसे हम चाय बनाते हैं घर में तो हमें पता है सबसे पहले एक हम पैन लेते हैं अब पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं फिर उसके अंदर हम सारे जैसे सिनामन है कार्डामम है ब्लैक पेपर है या टी लीव्स हैं हम ये सब डाल के उनको थोड़ा सा बॉयल करते हैं और जब वो अच्छे से उसका रंग आ जाता है और उसकी महक आती है ना देन वी यूज टू पॉर द मिल्क हम दूध डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा शुगर या जो भी हमें ऐड करना होता है मीठे के लिए उसमें हम डाल देते हैं और हमारी चाय रेडी हो जाती है तो यह है टेक अ केटल पुट सम वॉटर इन इट पुट इट ऑन स्टोव फिर बॉयल करो फिर टी लीव्स ऐड करो फिर शुगर ऐड करो फिर एड मिल्क बॉयल फिर दोबारा करो फिर फिल्टर कर लो और इसको टी कप में सर्व कर दो तो ये बनाने की पूरी विधि ना एक लिखी जाती है ये जो है बच्चे अपने आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही अपना पूरी प्रोसेस से टी मेकिंग की पूरी प्रोसेस लिखेंगे नोटबुक में अब इसके बाद हम बात करते हैं सी पार्ट पे अब सी पार्ट में क्या है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब यहाँ देखिए आपका जो सी पार्ट में है अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं ये हम पढ़ेंगे अभी है ना तो यहाँ Yesterday I went to market to the market there was a huge traffic. I saw an old lady, old man, who was trying to cross the road, but he was afraid. I approached him and helped him in crossing the road. He blessed me. I was very happy. अब देखो एक मैं जब मार्केट जा रहा था मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था मैंने उसका अप्रोच मैंने मैं उसके पास गया पहुंचा और उसकी हेल्प की रोड क्रॉस करवाया उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं खुश था तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स वट हैप एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आई वेंट टू द मार्केट अगर मैं मार्केट में नहीं जाता तो ऐसा कुछ है? होता ही नहीं अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स दैट वट हैप्पेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी स्टोरी के एंड में क्या था मैं खुश था आई वॉज हैप्पी है ना बीच के जो इंसिडेंट थे स्टेटमेंट थी वो तो बीच में जो हुआ वो हो गया अब इसके बाद हम बात करते हैं सिक्सटीन वर्कशीट पे आइडेंटिफाई द नाउंस एंड द वर्ब्स फ्रॉम द चार्ट सर्कल द नाउन्स एंड अंडरलाइन द वर्ब्स ठीक है बाकी जितने मैंने सर्कल किए हैं ये क्या है आपके नाउन्स हैं और बाकी जितने बच गए वो क्या है हमारे वर्ब्स हैं देखो नाउन क्या होता है सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा वट इज नाउन 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 आर द नेमिंग वर्ड्स नाउन क्या होता है नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं नाउन अब नेमिंग वर्ड्स में सभी आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स के नेम आ जाते हैं है ना सिटीज़ के नेम आ जाते हैं कंट्रीज के नेम आ जाते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन मीन्स नाउन होता है हिंदी में आपका संज्ञा किसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान मीन्स प्लेस सबके नामों को नाउन बोलते हैं अब वर्ब क्या होती है वर्ब्स जो होती है ना वो होते हैं एक्शन वर्ड्स कोई भी काम आप करती हो कोई भी एक्शन वर्ड होता है एक्शन वर्ड्स को क्या बोलते हैं वर्ब जिससे आप कोई भी काम करते हो एक्शन वर्ड्स को क्या बोलेंगे वर्ब्स स्पोज ईट खाना प्ले खेलना क्राई चिल्लाना वीप रोना तो ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं और इनको आप क्या बोलेंगे वब बोलेंगे ठीक है तो यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पे टेबल में हमने क्या लिखा हुआ है जस्ट uh, सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ हाँ अब आ जाइए यहाँ हम बात करते हैं होल्ड अ सेकेंड होल्ड अ सेकेंड ठीक है ओके ये जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे ये क्या है ये ये नाउन है वर्ब्स हैं और ये लास्ट कॉलम है बोथ का तो सबसे पहले हमने नाउन्स लिखा कुक स्मैल वॉच और कॉपी ठीक है वॉच देखना भी होता है जो वर्ब होती है वॉच घड़ी भी होती है ठीक है तो यहाँ पे वर्ब्स दोनों वर्ब्स में आ गए कुक स्विम आंसर कॉपी क्लाइम स्मैल फाइट वॉच प्लेस स्माइल अब दोनों में क्या आ गया कुक भी आ गया वॉच भी आ गया और कॉपी भी आ गया तो कुछ और भी अगर आपको इसके अलावा भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं देन यू कैन एड ऑन ठीक है और उसके बाद हम बी पार्ट पर बात करते हैं फाइंड आउट द फाइव वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्सट बुक दैट कैन बी यूज एज बोथ नाउंस एंड बॉब्स ये हमने यहाँ यूज़ करने हैं ये देखो थोड़ा सा स्क्रीन को जूमआउट कर देती हूँ मैं फर्स्ट में हमने लिखा है ट्रिप डोंट ट्रिप ऑन बनाना पील ये वर्ब है यहाँ पे ठीक है और सेकंड है आपका ट्रिप आई वेंट ऑन अ ट्रिप ठीक है फर्स्ट ट्रिप जो है वो फिसलना एज अ वर्ब यूज किया गया और सेकंड है एज अ नाउन यूज़ किया गया है वेंट यहाँ पे वर्ब हो गया अब यहाँ देखिए सेकंड आपका जो है बिल्डिंग बिल्डिंग से हमने बनाया वर्ब और नाउन फर्स्ट सेंटेंस आई एम बिल्डिंग अ हाउस मैं एक नया घर बना रहा हूं तो यहाँ बिल्डिंग क्या हो गई वर्ब अब नाउन क्या हो गया आई वर्क इन द टूलेट बिल्डिंग ऑफ द सिटी यहाँ पे टोलेस्ट जो बिल्डिंग है वो हो गया नाउन अब थर्ड वाला जो है आपका सिंक विल यू सिंक सिंक का मतलब फ्लोट ठीक है अब सेकेंड सिंक यहाँ क्या है स्क्रब फ्लोट इन द किचन सिंक किचन की जो सिंक होती है यहाँ पे ये नाउन है और विल यू सिंक सिंक मीन फ्लोट ये आपका वब है और फोर्थ सेंटेंस की बात करते स्विच आई विल स्विच टू अनदर कंपनी मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा तो यहाँ पे स्विच क्या है वब है अब नाउन क्या है टर्न ऑफ द स्विच स्विच ऑफ द ए ये क्या है ए का स्विच जो है यहाँ पे नाउन है अब फिफ्थ की बात करते अ रेबिट पांट्स ओके इन हॉट वेदर हाफता है यहाँ पे पांट का मीनिंग है हाफना और नीचे है पांट लीव योर पैंट्स फॉर वॉश दिस थोड़ा सा प्रनउंशिएशन में डिफरेंस है बट यहाँ एज ए एज द गिवन अल्फाबेट्स द सेम अल्फाबेट्स आर देयर एंड सेम वर्ड इज देयर बट द यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अब आ जाते हैं हम यहाँ नेक्स्ट वाले पार्ट पे सी पार्ट पे राइट सेंटेंस इज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड टाइम को वर्ब में यूज करो टाइम को नाउन में यूज करो ऐसे ही सभी का दिया हुआ है तो टाइम एज अ वर्ब यूज कर दे द एथलीट वॉज टाइम्ड आउट ठीक है एज अ नाउन यूज करेंगे टाइम इज वेरी प्रेसियस अ प्ले को रेटा प्लेस पियानो फुटबॉल कुछ भी आप डाल सकते हो ना ऑब्जेक्ट तो अ प्ले एज नाउन सिक्स वीयर्स प्ले आर फुल ऑफ कॉमेडी ठीक है Dance. My sister danced very well. Or dance as a noun. My mother knew many dance steps. Got it? Glue. Chipkna. Tikka ya kond. Rohan always glued to his work. Or glue as a noun. The bookseller has different kinds of glues. The answer. He answered correctly on time. Or answer as a noun. The teacher will check all my answers. तो ये आपकी यहाँ तक एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट की है अब हम आगे बात करते हैं डी पार्ट की रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज एज वर्ब और नाउन आई विसल एंड द डोग कम विशल यहाँ पे है वर्ब ठीक है विशल्ड वॉट इट सेकेंड है माई विशल अब यहाँ पे मेरी सिटी तो यहाँ सिटी क्या है आपकी विशल क्या है नाउन है इट टेक्स आर टू पेंट अ वोल्ड टू पेंट टू प्लस मेन वब फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ हमने पेंट जो है एज अ वब यूज़ है आई पेंटिड यहाँ भी एज अ वूज है अब नेक्स्ट है माई फेवरेट कलर इज पिंक कलर नाउन है यहाँ पे और नेक्स्ट है आई टुक टेन मिनट टू कलर द पिक्चर टू कलर फिर वब है आपकी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ ना एक हमारा वो होता है कि हम जो है क्या करते हैं सिंटेक्स होता है एक हमारा वर्ब्स को यूज करने का टू अपने साथ क्या कैरी करता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म तो इन सेंटेंसेस में जैसे एफ में है टू कलर ऊपर था टू पेंट ये सब क्या है हमारा टू वाला सिंटेक्स है टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म माई मदर कुक्स मील फॉर अस तो यहाँ पे कुक्स क्या है वर्ब We hire a cook for the picnic. कुक फॉर द पिकनिक अब यहाँ पे कुक रसोई जो खाना बनाने वाला होता है उसको कुक बोलते हैं तो यहाँ पे वो क्या है हमारा नाउन है तो होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को सब समझ आ गया होगा अब हम बात करते हैं सेवनटीन वाली एक्सरसाइज की वर्कशीट नंबर सेवनटीन वर्कशीट नंबर सेवनटीन में दिया हुआ है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है ठीक है अब देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है डुअर ऑफ द एक्शन और प्रेडिकेट होता है रेस्ट ऑफ द पार्ट अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं अब देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ो यहाँ से ठीक है सब्जेक्ट द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है एनी थिंग दैट इज स्पोकन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो रीटा इट्स ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग कौन खाता है रीटा रीटा इज द डूर ऑफ द एक्शन तो रीटा हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को हमने सर्कल uh, किया हुआ है और प्रेडिकेट पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है ठीक है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट है अब नेक्स्ट में है मोहन इज रीडिंग अ बुक हु इज रीडिंग अ बुक मोहन तो हु से जो आंसर निकलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है ठीक है तो मोहन मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट नेक्स्ट में द ट्रेन वॉज लेट वट वॉज लेट हु और वट से जो आंसर निकलेंगे वट ट्रेन ठीक है तो द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है शिल्पा अगले में है फिफ्थ में है द फर्नीचर हैज़ बिन डिलीवर्ड वट हैज बिन डिलीवर्ड फर्नीचर तो फर्नीचर क्या हो गया सब्जेक्ट ही वॉज नर्वस हु वॉज नर्वस ही ठीक है नेक्स्ट है मैरी प्लेड फुटबॉल हु प्लेड फुटबॉल मैरी गोट इट तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं सब्जेक्ट हैं माई अंकल इज अ टीचर माई अंकल यहाँ आपका सब्जेक्ट है द डोग इज़ हंगरी डोग यहाँ पे सब्जेक्ट है और लास्ट है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड द चिल्ड्रन यहाँ आपका सब्जेक्ट है दे आर वर्किंग एज अ सब्जेक्ट सो गो हैड एंड वी हैव टू कम्प्लीट लाइक दैट चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पार्ट हमें यहाँ पे करना है तो बी पार्ट में देखिए अब आप हम चलते हैं आगे जस्ट अ सेकेंड बी पार्ट में अब देखो मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद द प्रेडिकेट इन कॉलम बी अब अ स्कूल अब यहाँ देखो वॉन्ट वट इज़ बेस्ट फॉर अ स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग ठीक है फर्स्ट का फर्स्ट से मैच किया आवर पेरेंट्स वोंट वट इज बेस्ट फॉर अस सेकेंड का सेकेंड से मैच किया ग्रैंड पेरेंट्स गिव मच अटेंशन टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन गॉट इट अब अ लिटल बॉय गोज टू दैट स्कूल गॉट इट और द डॉग स्लेप्ड इन साइड द केस तो ये सारी के सारे क्या हैं आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट हैं जिनको हमने मर्ज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है इट तो यहां तक मे भी आपको क्लियर होगा ये सब अब हम आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों आप यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी आप सेवनटीन एक्सरसाइज तक अपनी सारी की सारी वर्कशीट कंप्लीट कर लें और कुछ क्वेरीज़ हैं तो यू कैन पुट अ क्वेश्चन देयर फॉर द क्वेरीज एट द बिगिनिंग ऑफ द कमेंट बॉक्स और यहाँ हम एटीन और नाइनटीन जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको रोटेट करें सो गुड बाय हैव है नाइस डे Bye-bye, all of you.